नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे श्रृंगार शतक भरत रवि के आपका स्वागत है। वियद उपचित मेघम भूमयः कंदलिन्यौ, वियद उपचित मेघम भूमयः कंदलिन्यौ, नव कुटज कदंबा मोदिनो गंधवाः। वियद उपचित मेघम भूमयः कंदलिन्यो, नवकुटज कदंबा मोदिनो गंधवा। सिखी कुल कल के का राव रम्या वनांता, सुखिनम सुखिनम वा सर्वमुत्कंठयंती। वर्षा वर्णन चल रहा है। महाकवि भर्तृहरि लिखते हैं कि आकाश में काले काले मेघ छाए हुए हैं और पृथ्वी पे नए नए घास के अंकुर फूट गए हैं। आज की स्थिति में जो शहरों में रहते हैं उनको इसका बहुत आनंद नहीं है। आकाश के मेघ भी उनको नहीं दिखाई देते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बीच में छुप जाते हैं, और पृथ्वी पे भी उनको रोड पे खाली पानी भरा दिखता है, उनको इसका आनंद नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन जो किसान है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, वो इस आनंद को जरूर महसूस कर सकता है कि आकाश में घिरे हुए काले काले मेघ और पृथ्वी पे उगी हुई हरी हरी घास, नव कुटज कदंबा मोदिनो गंधवाहा, और कुटज और कदंब के वृक्षों में से आनंदित करने वाली जो सुगंधी प्रवाहित होती है, एक तरफ जो मोर है वो अपने केकारों से पूरे वातावरण को जिस प्रकार से रमणीय बनाता है, रमणीय बनाता है, ये पूरा वातावरण सुखी और असुखिनम वा सर्वम उत्कंठयंती, सबको उत्सुक बना देता है। कालिदास ने बहुत अच्छा लिखा है कि मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्नथा वृत्ति चेता। आधी पंक्ति कहती है कि जिनके जो प्रेमी प्रेमिका पास में होते हैं, जो सुखी हैं, उनके मन में भी ये मेघ जो है एक अलग प्रकार की उत्कंठा उत्पन्न कर देता है। कंठस्ले सब प्रणयिन जने किम पुनः दूर संस्थे, जिनके प्रेमी प्रेमिका दूर हों, जो लोग आपस में एक दूसरे से दूर हों, उनकी क्या दशा होगी। तो बिल्कुल वही बात यहां पे है कि आकाश में घिरे काले बादल, पृथ्वी पे जमी हुई हरी हरी घास, कदम और कुटज जैसे वृक्षों में से भी मदमस्त कर देने वाली बहती हुई सुगंध, और पूरे वातावरण को आह्लादित करता हुआ मोर का केकारव, ये वातावरण को ऐसा बना देते हैं कि सुखी व्यक्ति तो आनंदित हो ही जाता है, उसको तो आनंद आता ही है, लेकिन जो दुखी है वो भी आनंदित हो जाता है, उसको भी उत्कंठित बना देता है। उत्कंठा का अर्थ ये है, कई बार ऐसा होता है कि आपस में किसी कारणवश झगड़ा हो गया, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन इस वातावरण में दूर नहीं रह पाएंगे, इसमें तो उनको एक दूसरे के पास आना ही पड़ेगा। आप फिल्मों में भी देखते हैं, प्रेम होता है, तुरंत बारिश होती है, बरसात होती है, जोर से बिजली कड़कती है, नायिका दौड़ के नायक की छाती से लग जाती है। उसी चीज का यहां पर जिक्र किया है, उसी को यहां व्यक्त कर रहे हैं कि जो सुखी हैं वो तो आनंद में आते ही हैं, लेकिन जो सुखी नहीं है, जो अपने प्रियतम से दूर हैं, जिनकी प्रियतमा उनसे गुस्सा हो गई हो, मान करके बैठी हुई हो, जो नहीं मान रही हो, ऐसे वातावरण में वो भी मान जाया करते हैं, तो ये तो सुखियों को और जो सुखी नहीं उनको भी, दोनों को ही उत्कंठित करता है ये वर्षा का सुंदर वातावरण। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। श्रृंगार शतक चल रहा है, आनंद लीजिए।